हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवान और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन मतलब क्या होता है, उसके वेरिएंट्स कितने होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, पहले प्रोटीन समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो बॉडी रहती है उनको एनर्जी के कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो चलिए फटाफट से जानते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो दलिया से भी मिल सकता है, आप दलिया खाओगे तो आपको मिलेगा। तो फिर और ग्लूकोज भी उसमें हाई रहता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है फैट। फैट में भी ग्लूकोज हाई नहीं रहता पर लो रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद रहता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में हाई एनर्जी, हाई पावर और हाई ग्लूकोज, इसमें सब हाई रहता है ना, ये समझिए। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग मसल्स है ना। तो बिल्डिंग मसल्स का मतलब क्या होता है कि हमारी जो भी प्रोटीन रहता है, प्रोटीन ये डिसाइड करता है कि हमारे मसल्स का जो रहता है साइज कितना होगा, शेप कितना होगा और हमारी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो दोस्तों ये रहता है। और आपका जो वेट लूज होता है इसको भी प्रोटीन ही डिसाइड करता है ना, ये समझ गए। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कौन सा है दोस्तों? वो है बोन्स। बोन्स में क्या है कि आपको बोन्स में 4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कौन सी? फर्स्ट कैल्शियम, सेकंड प्रोटीन, थर्ड विटामिन डी और फिर उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज, ठीक है, ये समझ गए। तो उसके बाद हम अभी हम लोग समझते हैं फोर्थ पे। तो दोस्तों इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी है फोर्थ। तो फिर इम्यूनिटी में क्या है कि अगर आप प्रोटीन खाते हो, लेकिन मैं प्रोटीन हर दिन खाता हूँ, मैं एथलेटिक्स के लिए जाता हूँ, तो मैं सुबह 5:30 बजे तो मैं स्प्राउट खाता हूँ, वो भी एक प्रोटीन है। तो फिर उसमें मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है जुकाम हो जाता है उनको, या फिर सर्दी लग जाती है, तो फिर वो भी नहीं होता है इससे। और फिर बहुत कम टाइम होता है जिससे कि ये भी बचाता है प्रोटीन, है ना। और फिर आपकी जो इम्यूनिटी वो स्ट्रांग रहती है हमेशा, जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अभी हम लोग समझते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है क्रेविंग। दोस्तों भूख और क्रेविंग दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग है। जैसे कि भूख अपने पेट से निकलती है, जैसे कि हमें दाल चावल खाना है, दाल चावल खाना है तो हमारे पेट से निकली, कड़ी चावल खाना है। पर अगर हमारे दिमाग से निकली चीज़ तो वो जल्दी क्रेविंग, जैसे कि आपने बहुत सारा खा लिया, आपको कोई खाने का मन नहीं है और फिर आपके सामने कोई केक रख दे, आप खाओगे है ना, खाओगे तो वो जल्दी क्रेविंग। आपका माइंड बोलता है कि मुझे खाना है। और फिर ज़्यादातर लोगों को जंक फूड ज़्यादा पसंद होता है, लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो फिर ये क्रेविंग को भी ख़त्म करता है। आज हम लोग समझते हैं बोन फैट। बोन फैट का मतलब क्या होता है? बोन फैट का मतलब होता है जब आप हाई प्रोटीन खा लेते हो, जब आपका हाई मेटाबॉलिज्म हो जाए। हाई मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि मुझे अभी इधर लगी थी थोड़ी दिन पहले, मैं साइकिल से गिर गया था, तो फिर मैं प्रोटीन खाता हूँ, स्प्राउट्स बताया ना मैंने, तो मैं प्रोटीन खाता हूँ। तो फिर हाई मेटाबॉलिज्म मतलब कि आपको किसी भी चीज़ से लगती है तो आपको उतना पेन नहीं होता, और मुझे हुआ भी नहीं था, है ना। तो मुझे पेन नहीं हुआ था, तो फिर अगर आपको पेन नहीं होना या फिर आपको उसको जल्दी रिकवर करना है तो फिर आपको ये काम आएगा प्रोटीन। तो फिर अभी हम लोग समझते हैं सेवन पॉइंट कौन सा है कि हार्ट इश्यूज़। जैसे कि बहुत सारे लोगों को होती है कि हार्ट इश्यूज़ होती है, जैसे कि आपने सुना होगा BP, LDNL या फिर आपने KD सुना होगा, ये सब हार्ट प्रॉब्लम्स होती है। तो इस प्रोटीन से ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो दोस्तों एट है कि जब आप भी प्रोटीन खाते हो तो फिर आपको जो भी स्वेलिंग होती है, इंजरीज होती है, कट लगता है आपको, तो वो जल्दी रिकवर होता है। जैसे कि आप कुछ नहीं खा रहे, प्रोटीन ही खा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, तो फिर आपको वो जल्दी फटाफट रिकवर नहीं होगा। फिर आपने प्रोटीन खाया तो फटाफट रिकवर, है ना, ये समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं कि आपका जो ब्लड सेल्स रहती है उसमें जो आयरन दौड़ता है, कैल्शियम दौड़ता है, ये सब चीज़ें दौड़ती है, आयरन दौड़ता है, ये सब दौड़ती है, तो फिर उनको ब्लॉक नहीं होनी चाहिए ना, ऑक्सीजन भी ब्लॉक हो जाएगी, तो उनको जो ट्रांसफर करने का काम होता है वो होता है प्रोटीन का। तो फिर इस काम में भी प्रोटीन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज़ों में प्रोटीन काम कर, तो दोस्तों आप अभी बोल रहे होंगे कि हमें ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन खाना चाहिए, लंच में भी और डिनर में भी, नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सब खाओगे तो आपको जो किडनी है, किडनी स्टोन हो सकता है या फिर आपको कैंसर की भी बहुत संभावना है। तो फिर अभी हम लोग समझते हैं कि 3 सोर्सेस जिससे कि आप प्रोटीन खा सकते हैं। फर्स्ट नॉनवेज, सेकेंड डेयरी एक्सेसरीज,
उसके बाद थर्ड आती है ग्रास एंड स्प्राउट्स एक्सेसरीज। तो फिर हमारा चिकन मतलब नॉन वेज एक्सेसरीज होती है, फर्स्ट चार होती है इसमें, फर्स्ट रेड मीट, सेकंड चिकन, और फिर उसके बाद थर्ड होती है फिश, और फिर उसके बाद फोर्थ होती है हमारी एग, है ना। अभी हम लोग समझते हैं डेयरी, डेयरी जो एक्सेसरीज होती है वो समझते हैं। डेयरी एक्सेसरीज कौन सी होती है? डेयरी एक्सेसरीज होती है हमारी कर्ड, पनीर या फिर मिल्क एक्सेसरीज, ठीक है, ये समझ गए। अभी हम लोग समझते हैं ग्रास एंड स्प्राउट्स एक्सेसरीज। स्प्राउट्स रहती है, दाल रहती है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि आपके वो बीन्स रहता है, स्प्राउट्स में बीन्स रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।